بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق क्लास दो आज हम चौथे दिन का काम शुरू करेंगे जी स्टूडेंट्स आज हम चौथे दिन का काम शुरू करेंगे तमाम बच्चे अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर बाईस ट्वेंटी टू खोल लीजिए जी स्टूडेंट्स सफ़ा नंबर बाईस ट्वेंटी टू जी स्टूडेंट्स आपने खोल लिया जी निकाल लीजिए जल्दी जल्दी शाबाश यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने लफ्स बनाने ऐसे लफ्ज़ जिनकी आवाज़ें फाज जिनकी आवाज़ें मिलती जुलती होंगी जी यहाँ आपको एक लफ्ज़ दिया गया है ने कहा है कि इससे ही मिलते जुलते आपने और अल्फाज बनाने। तो स्टूडेंट्स आप अपनी किताब का सफ़र नंबर 22 खोल लीजिए पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए बहुत आसान है ये तो आपको फ़ौर समझ आ जाएगा कि हमने ये काम कैसे करना है देख लीजिए आपकी बुक पर पहला लफ्ज़ हमें दिया क्या है बाल बे बेअा लाम साकिन बाल बराबर का निशान और फिर हमें कितनी खाली जगह दी गई है चार एक दो तीन और ये चार अब हमें कहा गया है बाल इससे मिलती जुलती आवाज़ वाले हमने फाज ढूंढकर कर लिखने तो स्टूडेंट सोचिए अभी आपके सोचने का काम आ गया है कि आपने किस तरह ये काम करना है जी ज़्यादा दिमाग तो पे जोर डालिए आज पता चलेगा कि आप लोग तो कितना अपना दिमाग से काम लेते हैं जी बे अलिफ बा लाम साकिन बाल तरीका स्टूडेंट्स ये है कि ऐसे हर हमने अल्फाज ढूंढने जिसमें लाम आखिर में आए और उससे पहले अलिफ बाल देखें हमने आवाज़ें सीखी थी कि जहां अलिफ आता है वहां किसकी साउंड निकलती है आ की तो हमने यही साउंड याद रखनी है और हमने आखिर में क्या देखना है कि उस लफ्ज़ का कहां पे अख्ताम हो लाम पर कहाँ पर वो लफ्ज खत्म हो लाम पर तो देखिए बाल हाल हा हे अलिफ हा लाम साकिन हाल जी दूसरा ये तो हमें उन्होंने लिख कर दिया हुआ है गाफ अलिफ गा लाम साकिन गाल देख लें यहाँ पहले हर्फ के बाद अलिफ था तो हमने भी हे के बाद अलिफ और आखिर में लाम हाल हे अलिफ हा लाम साकिन हाल अलिफ का साकिन गाल नंबर थ्री पर क्या लिखेंगे सीन की आधी शक्ल के साथ अलिफ सा लाम साकिन साल ते आधी ते अलिफ ता तेलफा लामसाकिन ताल ये तो स्टूडेंट्स हमें एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया गया है अब नीचे उन्होंने और भी अल्फाज दिए हैं उनमें से हम दो यहाँ और लिखेंगे आपको उम्मीद है समझ आ जाएगी तो बाकी के आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए ये दिमागी काम है आपने दिमाग से सोच कर लिखना है कि हम ये अल्फाज से मिलते जुलते और कौन से अल्फाज बना सकते हैं जे स्टूडेंट हम लेते हैं बे बेबाओ बे की आधी शक्ल गुलाई स्टूडेंट ये गुलाई आपकी होनी चाहिए ऐसे नहीं कि बे बना रहे हैं और गुलाई आप ख़त्म कर दें तो वो बोनी बनेगा क्या लफ मैंने लिखा है वे वाव बोल लाम सा बोल अब हमने बोल से मिलती जुलती आवाज़ों के चार हमने बनाने हैं अल्फाज पहचान क्या होगी आपका वाओ और आखिर में क्या आएगा लाम यानी लाम से पहला वाला हर्फ देखना है और आखिर का जी स्टूडेंट बोल अब इससे मिलता जुलता कोई लफ्ज़ बताए जी बोल तोल हम कोई चीज़ नापते हैं दुकान पर जाते हैं वो हमें मेजरमेंट करके देते हैं ना तो उसे कहते हैं तोल ते बहुत तो जी ते बहुत तो, लामसाकिन तोल देख लीजिए स्टूडेंट क्या हमारा पहले हर्फ के बाद यहाँ वाव आ रहा था और फिर लाम यहाँ हमने बनाया क्या तोल तो हमारा पहले हर्फ के बाद क्या आया वाव जैसे कि यहाँ था और आखिर में लाम ये देख लीजिए यहाँ पे भी लाम है तो हमारा लफ्ज हो गया तोल यहाँ पर था बोल ये हो गया तोल इसी तरह हम और बनाएंगे चारों खाली जगह में हमने फिल करना इन्हें तोल के बाद क्या लिखेंगे जी वेरी गुड रे वाओ लाम रोल जी रोल जैसे होता है रोल करना चीज को लपेट देना गोल करना जी फिर मीम वाओ लाम मोल हो गया ना ऐसा एक जैसी आवाजें आ रही हैं बोल मॉल रोल तोल अब हम क्या लिखेंगे जी स्टूडेंट्स जी शापश हे वाओ ल होल होल किसे कहते हैं सुराख को होल दी स्टूडेंट इसी तरह आपने सेकेंड और लास्ट हर्फ को देखना है कि क्या रहा है उसके मुताबिक आप उससे मिलती जुलती आवाज़ों से आवाज़ों का अल्फाज बनाते जाएंगे एक और आखिर का ले लेते हैं अब आखिर में हमें दिया है ते तो रा तोड़ा अब हमने यानी कोई चीज तोड़ देना दो तीन ये हमारी जरा ऊपर लग गई है हम थोड़ा सा नीचे करके लगाते हैं एक दो तीन और ये चार अब हमारा क्या होना चाहिए रे अलिफ रा आखिरी हर होना चाहिए दोनों ठीक है अब हमने क्या करना है तोड़ा जी जी बिल्कुल सही जोड़ा जी बाओ जो रे अलिफ रा जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले जोड़े बना लिए इसीलिए आपने फौरन गैस कर लिया कि तोड़े के तोड़ा के साथ हम क्या लिख सकते हैं जोड़ा जी अब आगे मीम वामो अड़े आलिफ अड़ा मोड़ा ये देखें आखिरी तीनों हर हरूफ जो है हर एक में आ रहे हैं ये एक दो तीन ये वाले हरूफ और यहाँ पे देखें जोड़ा में भी यही देखें सेम एक जैसे आ रहे हैं ठीक हो गया तोड़ा जोड़ा मीम वे अलीफड़ा मोड़ा पे की आदि शक्ल के साथ काफ नुकते फौरन से पे काफ वे अलिफड़ा पकोड़ा जी क्या लफ्ज़ बना पकोड़ा पे काफ वाओ पको अरे लिफड़ा पकोड़ा। अब आखिरी रह गया अब बताएं आखिर में हम क्या लिखेंगे पकोड़ा, जी 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 इसी से मिलता जुलता है घोड़ा घे इसे हम स्टूडेंट ये नहीं कहेंगे गाफ और हे अलग अलग बोलेंगे नहीं अलग अलग नहीं बोलना आपने घे बोलना हे को गा के साथ मिलाकर ही बोलेंगे घे वाव घो जी घे वाव घो रेलिफड़ा घोड़ा देख लीजिए घोड़ा में भी हमारे ये तीनों हर जो इसमें थे वही आ गए तो स्टूडेंट इसी तरह आपने बाकी के भी अलफाज को मुकम्मल करना है ये देख लीजिए एक दफ़ा फिर हमने हमें दिया गया था बाल तो हमने इसके दूसरा और तीसरा हर्फ़ देखा कि अलिफ और लाम है हमने फिर इसी तरीके से यहाँ पे ये अल्फाज बनानी शुरू किए हे अलिफ हा लाम साकिन हाल ये देखिए यहाँ पे भी दूसरा और तीसरा हर्फ क्या है अलिफ और लाम जैसे कि यहाँ था अलिफ और लाम अब यहाँ पे देखिए गाफ अलीफ लाम साकिन गाल जी यहां पर भी अलीफ और लाम आ गया सीन अलिफ सा लाम साकिन साल। ते अलिफ ताल लाम साकिन ताल अब बोल में वाव और लाम तो देखिए हमने जो भी लफ्ज बनाया है उसमें वाव और लाम आ रहा है ते तो लाम साकिन तोल रे बाव रो लाम साकिन रोल मीम लाम साकिन, हे होल, लाम साकिन, होल। अब हमारा कौन सा लफ्ज है तोड़ा अब हमने इससे मिलते जुलते अल्फाज बनाने जीम बाव जोड़ रे जोड़ा मीम बाड़ा मोड़ा पे काफ वाव पे काफ व पको रेलिफड़ा पकोड़ा घे व घोड़े अलिफड़ा घोड़ा तो स्टूडेंट इसी तरह आपने तमाम अल्फाज को मुकम्मल कर देना है ये मैं आपके अल्फाज पढ़ के बता देती हूँ बोल के बाद नून नाक काफ साकिन नाक तमाम बच्चे अपनी बुक के सफ़ा नंबर बाईस पर तीसरे लफ्ज पर फिंगर रखिए पहला लफ्ज़ क्या था फिंगर रखें बाल बेवाओ वाम बोल नून अलिफ ना काफ नाग ते अलिफ ता नून तान काफ अलिफ का जीम काज जीम अलिफ जा नून अलिफ ना जाना सीन वाव सो ते ता सोता ते वाव तो लाम वाव लो तो लो रे वो टे छोटिये टी रोटी अलिफ मत आ हमजा बड़ी ये ए आए क्या लफ्ज़ पाना अलिफ मत हमजा बड़ी ये ए आए फिर आखिरी है हमारा ते वो रे अलिफड़ा तोड़ा तो स्टूडेंट ये तमाम आपने ख़ुद से करने हैं अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर सफ़ा नंबर तेईस यानी ट्वेंटी थ्री खोल लीजिए वहाँ पर भी हमें काम किया गया है लफ्ज़ बनाए तो अब हम देखते हैं हमें कौन से लफ्ज़ दिए गए हैं जी अपनी किताब का सफ़ा नंबर तेईस सफ़ा नंबर तेईस ट्वेंटी थ्री जी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुमला लिखा हुआ है जब आमना को तीन से जायद यानी तीन से ज़्यादा हरूफ़ मिलाकर नए अल्फाज पढ़ने हों तो वो इनके छोटे हिस्से कर लेती है जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि हमें जब तीन से ज़्यादा हरूफ दिए जाते हैं तो हम पहले उनके दो सेट बना लेते हैं चार के हम दो सेट बना लेते हैं ऐसे हमने ऐसे क्या बे जीम दाल तो हम दो सेट बना लेते हैं तो इसी तरह आमना ने भी किया कि उसे जब तीन से जायद हरूफ दिए गए तो उसने उनके छोटे हिस्से कर लिए जैसे कि इस किताब में सफा नंबर सफा नंबर तेईस पर दिया गया है यह देखें पहला हर्फ क्या है सीन प्लस फे प्लस बड़िए प्लस दाल जी सीन प्लस फे बढ़िए फिर दाल अब ये आमना को तीन से जायद हरूफ दिए गए तो उसने क्या किया उसने छोटे छोटे हिस्से बना लिए पहले सीन को उसने अलग किया और उसने फे और ये को मिलाया ठीक है और फिर दाल को उसने अलग से रखा उसने इस तरीके से चार के तीन हिस्से बना लिए तो उसने क्या किया सीन की स, स, किसके साथ ये के साथ तो ये की आधी शक्ल ऐसे और फिर क्या क्या आ गया दाल तो स्टूडेंट क्या बन गया ये स सफ़ेद द स द तो क्या बनेगा सफेद जिसे ये कलर है जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं वाइट क्या कहते हैं वाइट तो आमना ने इस तरीके से तीन हिस्से बनाए तो स्टूडेंट्स हम भी आमना की तरह कर लेते हैं वैसे तो हम दो दो करके किए थे हमने उसने तीन हिस्सों में से किया है डिवाइड तो हम भी इसी तरीके से करते हैं जैसे कि हमें किताब में बताया गया अब देख लें दूसरा कैसे लिखा है काफ़ प्लस ते प्लस अलिफ प्लस बे जी स्टूडेंट अब हम किस तरह करेंगे काफ को अलग से रखेंगे ठीक है इतना हिस्सा अलग किया आमना ने और तेर और अलिफ और इसको इन तीनों को इकट्ठा कर दिया जी तो क्या बना कैसे लिखेंगे आप पहले हम हाँ लिखेंगे काफ प्लस अब इन तीनों को मिलाकर लिखेंगे ते अलिफ ता, बे, ताब, ठीक है अब ये क्या पूरा लफ्ज़ बन गया हमारा अगर हम दरमियान से ख़त्म करते हैं प्लस को तो काफ़ की आधी शक्ल और ते, अलिफ ता मिला दिया इसके साथ हमने नुख्ते डाल लीजिए और आगे बे तो बन गया किताब जी स्टूडेंट क्या बना किताब जी इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम इसके नीचे हमें अब दिए गए कि हमने अब ख़ुद से बनाने तो अब देख लीजिए सफ़ा नंबर तेईस यानी ट्वेंटी थ्री पर क्या आप भी आमना की तरह हरूफ मिला सकते हैं जी हाँ बिल्कुल क्यों नहीं ये देखें नीचे उन्होंने हमें दिए कि देखते हैं ये आपका टेस्ट है कि आपको आते हैं कि नहीं कौन कौन से हमें रूप दिए गए पे प्लस हे और फिर है प्लस अली फिर प्लस रे तो अब हम स्टूडेंट कैसे मिलाएंगे पहला हम लिखेंगे पे को अलग ठीक हो गया पे को हमने अलग लिखा अब हम हे और और ए को इकट्ठा लिख लेते हैं ये देखें नहीं इन्हें हमने इकट्ठा नहीं लिखना हमें दो डैश दी है तो हमने क्या करना है पहली डैश तो उन्होंने खुद से दे दिए प्लस ये एक डैश और फिर प्लस फिर डैश फिर बराबर का निशान और फिर मुकम्मल हमने लिखना है तो इसका मतलब हमें हे और अलीफ को मिलाना है ठीक है तो हम कैसे मिलाएंगे हे अलिफ हा अड़े की तो आधी शक्ल नहीं होती तो इसे हम मुकम्मल लिखेंगे जी तो स्टूडेंट अब हमने इन तीनों को मिलाकर लिखना है कि देखते हैं ये क्या लफ्ज़ बनता है यहाँ से हम इसे मिलाना शुरू करेंगे और कहाँ तक यहां पर हमने खत्म करना है जी पहले क्या करेंगे पे की आधी शक्ल लिखी नुकते फौरन से अब हे अलिफ हा ये हे का आ गया और आगे क्या आएगा रे तो क्या बना प पे हे अलिफ हा पहाड़ देखिए मैं और बड़ा कर देती हूं पे हे और रे पहाड़ क्या बना पहाड़ जी स्टूडेंट्स एक और देख लीजिए डाक प्लस छोटी ये प्लस लाम और फिर प्लस अलिफ अब हमने क्या करना है हमने कितनी हमें डैश दी गई है एक फिर प्लस फिर ये दूसरी डैश और फिर बराबर का निशान और आखिर में हमें लफ बता दिया गया है वो मैं बाद में आपको लिख कर कि क्या है पहले हमने इन डैश के हिसाब से इनके छोटे हिस्से करने हमने क्या करना है गाफ और छोटी ए को मिलाना है और लाम और अलिफ को तो गाफ की आधी शक्ल के साथ छोटी ये लिखी हमने गाफ छोटी ये गी और लाम अलिफ ला लाम की आधी शक्ल के साथ हमने अलिफ को मिला दिया अब हमने इन दोनों को मिलाना है तो कैसे गा की आदि शक्ल तो लिखी थी अब हमने छोटी ए की भी आदि शक्ल लिखनी है ऐसे अब लाम ला इसके साथ मिलाया तो क्या बना बच्चों गीला गा छोटी ये गी ला, ला गीला तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने ये तमाम हरूफ को छोटे हिस्सों में कर लेना है फिर इसका आपने देखना है कि क्या लफ्ज़ बनता है तो उन्हें मुकम्मल करके आपने तीसरे लाइन खाली जगह में लिखना है कौन कौन से हरूप दिए गए हैं पे प्लस छोटी ये प्लस छः फिर प्लस बड़ी ए फिर नीचे है इसके बे प्लस अली प्लस चीम प्लस छोटी ये फिर मीम प्लस हे नून ते इसके आपने जोड़ कर लफ्ज बनाना है ये था हमारे सफा नंबर सफा नंबर हमारा तेईस यानी ट्वेंटी थ्री एक और पेज कर लेते हैं ट्वेंटी फोर तो तमाम स्टूडेंट्स अपनी किताब का सफा नंबर ट्वेंटी फोर खोल लीजिए जी क्योंकि वो बहुत इजी है तमाम हरूफ हमें दिए गए बस हमने मिलाकर फौरन से लिखना है क्योंकि अब हमें मिलाने का तरीका तो आ गया है क्या हमने अगर तीन हरूफ हैं तो पहले को हम मिलाकर लिखेंगे दूसरे के साथ अगर चार हैं तो हम पहले दो दो करके सेट बनाएंगे और फिर उसे लिखेंगे यहाँ पे देखें उन्होंने हमें किस तरीके से दिया है तमाम स्टूडेंट्स अपनी किताब का सफ़ा नंबर चौबीस कौन सा सफा नंबर है चौबीस ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फोर जी देखिए कैसे हमें दिए गए हैं हरू, मिलाकर दो दो हर को उन्होंने हमें मिलाकर दिया है का फलिफ का प्लस टेवाओ टो तो. अब हम उन्होंने कहा है इसको मिलाकर फौरन से इसको और इसको कैसे मिलाना है क्या करना होगा दरमियान में से प्लस का साइन खत्म करना है बहुत सिंपल है ये काम तो फटाफट हो जाएगा काफलिफ का टेवाटो काटो जैसे कि सब्जी काटी जाती है अब देख लीजिए काटो के सामने हमें क्या दिया गया है सीन बे प्लस जे छोटी ये जी तो क्या बनेगा स्टूडेंट सीन बे और जे छोटी ये जी को हम मिलाकर लिखेंगे तो क्या बना सीन बे जे और ये छोटी ये जी तो क्या बन गया सब्जी जी, जी स्टूडेंट्स ये तो बहुत इजी काम हो गया आप देख लीजिए सबसे नीचे तीसरी नंबर पे ले रही हूँ धे धे प्लस बे छोटी ये बी तो आ, क्या लफ्स बनेगा हमने इन दोनों को मिलाना है ये साइन खत्म कर देना है यहाँ से ठीक है स्टूडेंट तो क्या बना धे धोपी लिखा धो कितना इजी काम है उनके सब कुछ तो लिख कर दिया है बस हमने उन सब को आगे लिख है देखिए धोबी के आगे मीम स्टूडेंट जब भी दो चश्मी है के साथ कोई हर्फ होगा उसे आपने इकट्ठा मिलाकर बोलना है अलग अलग नहीं मीम है ऐसे नहीं आपने मीम छे बोलना है और फिर आपको दिया है लाम छोटी ये ली जी और ये डैश इस पे हमने मुकम्मल करके लिखना है तो हम क्या करेंगे प्लस का साइन दरमियान से ख़त्म कर देंगे तो ये लिखेंगे हम मीम ठीक है नुक्ते हमने फ़ौरन से डाले और इसके साथ क्या मिलाया नाम छोटी ली मछली जी स्टूडेंट क्या बन गया मछली इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपने तमाम हरूफ को मिलाकर कर लिखना है स्टूडेंट्स चौथे दिन का काम हमारा मुकम्मल हुआ उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी अगर कुछ किसी बात की कोई समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो को दोबारा देखकर उसे समझ सकते हैं इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़